एक्सक्यूजेस बड़ा मजा आता है बहाना मार के। 50% लोगों ने आज बहाने मारे हैं घर बैठे वो, ऐसे ऐसे बहाने मारेंगे कि बहाना भी शर्मा जाए किसने मारा। बहाना भी कहता है कमबख्त क्या मारा है। अब सोचिए, मेरे को बहाने सुन सुन के लोगों की हैरानगी होती है, सर आप सुबह आ रहे हो, आप अभी तक निकले नहीं घर से, मेरा मूड ठीक नहीं है, क्या हुआ बता नहीं सकता, थोड़ा पर्सनल है। आपको पता ये पर्सनल क्या है? उसके साथ आधी रात झगड़ा हो गया होगा, जहां इसने कई महीनों से प्रपोज कर रहा होगा और आप सोच रहा होगा करूं और आपको एकदम से कर दिया होगा, कई महीनों से सोच रहा होगा कमबख्त प्रपोज करूंगा और रात को कर दिया, और उसने भी सुनने के बाद उसी समय ही काट दिया और उसके बाद लगा दिया इस मोबाइल पे ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। उदास होने से अच्छा ना कोई ऐसा कुछ घटना, अगर कोई ऐसी घटना आपके साथ घट गई है ना, चैलेंज लीजिए, मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, चैलेंज लीजिए, इतना काम करूंगा इस लड़की का मेरे से बात करना सपना होगा। इस लड़के का मेरे से बात करना सपना होगा और वो सपना मैं पूरा नहीं होने दूंगी, वो सपना मैं पूरा आपसे नहीं पूछ रहा इस लड़के का मेरे से बात करना सपना है होगा, लेकिन वो कमबख्त का पूरा नहीं होने दूंगी। सो लवली, उसका सपना क्यों? क्योंकि क्यों? एक मिनट यार, तू तो मेरे तो काला पाए हुई है, फीलिंग दबा दबा के सारे फीले करते नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई उदास नहीं होना है, बहाने ऐसे नहीं। अब कई कहते हैं मेरे ना रिलेटिव में कोई बीमार है, हमारे रिलेटिव में ना किसी घर में बच्चा होने वाला है और मैंने जाके वहां पे देखभाल करनी है। सर क्या बहाने मारे हो? मेरे बच्चे का बर्थ था, उस दिन मेरी 3 मीटिंग थी मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर मेरे घर से मेरी उस दिन 3 मीटिंग थी, और मेरी वाइफ कहती कि आप जा रहे हो 11 बजे तो डॉक्टर ने बुलाया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलाया है, मैं डॉक्टर नहीं हूं। अपने वर्ड्स को दोबारा सुनो, किसने बुलाया है? जहां तो ये कहो गुरिंदर सिंह ने बुलाया है तो गुरिंदर सिंह चलता है, बुलाया डॉक्टर ने है, और तेरे को अच्छे से पता है मैं डॉक्टर नहीं हूं। तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया, वो अपनी वाइफ को लेकर आया और उनको हॉस्पिटल लेकर गए 11 बजे, और मैं 10 बजे मीटिंग में निकल गया और रात को मैं 11 बजे पहुंचा। अंदर से आवाज आ रही थी बधाई हो, मैंने कहा आपको भी हो, ऐसे नहीं होता सर। अभी 20th of August को मेरा ऑपरेट हुआ, सर्जरी हुई, अभी गॉल ब्लैडर सर्जरी थी, पित्ता रिमूव करना था, बहुत सारे स्टोन्स थे उसमें, और मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ, इधर मेरे ग्लूकोज लगा है, इंजेक्शन मतलब चल रहे हैं बीच में, इधर नर्स खड़ी है इंजेक्शन ग्लूकोज की बोतल चेंज करने के लिए, इधर डॉक्टर खड़ी है किसके लिए वो मतलब कुछ हालचाल पूछने के लिए, सारा कुछ पता नहीं क्या क्या लगाते देखते, मैं देखा भी नहीं क्या हो रहा मेरे साथ। तो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे लगाऊं, मेरा ब्रदर इन लॉ मेरा हालचाल पूछने आया, इधर नर्स इधर डॉक्टर, सामने
मेरा ब्रदर इन लॉ जो मेरा पूछना है हाल चाल, और मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे हूँ। 45 मिनट कॉन्फ्रेंस कॉल चली। बेड पे मैंने कहा, अरे लड़की तू मेरी डॉक्टर है और कॉन्फ्रेंस कॉल पे मैं उनका डॉक्टर हूं। आई एम ऑल्सो डॉक्टर, और वो मेरे पास प्रूफ भी हैं। ऐसा थोड़ी होता है, पेन का काम है होते रहना, अपन का काम है अपना काम करते रहना। इधर इंजेक्शन लगाए हुए हैं तो सब कुछ किया हुआ है, और ये एविडेंस मेरी वाइफ है, क्यों? क्योंकि उसका भाई आया था मेरे को इशारे करे। आप क्या इंसान हो, 45 मिनट डॉक्टर को कोई वेट कराता है, नर्स को कोई वेट कराता है? मैंने कहा हाँ, गुरिंदर सिंह कराता है, कराता है। 45 मिनट्स कॉन्फ्रेंस कॉल हॉस्पिटल के बेड के ऊपर। और एक आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहूंगा, एक इंसिडेंट, एक व्यक्ति का इंसिडेंट आपको सुनाता हूं। 23rd of September 2019, एक व्यक्ति 3 बजे उठा, 4 बजे घर से निकला, उसके पिता उसको रेलवे स्टॉप पे ड्रॉप करके आए, शताब्दी में बैठकर वो दिल्ली पहुंचा। अभी 10:30 बजे वो दिल्ली पहुंचा था, उसको न्यूज मिल गई उसके पापा रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए, जो उनको 4:30 बजे ट्रेन पे चढ़ाकर गए हैं। लेकिन वो बंदा वापस नहीं गया, फरीदाबाद में उसकी मीटिंग थी एमडी के साथ, किसी कंपनी के एमडी के साथ और कुछ लोगों के साथ, कुछ सीनियरिटी के साथ। 10:30 पता लगा और वो 12:30 वहां पहुंचा, 12:30 से 2:30 बजे तक वो मीटिंग हुई। 2:30 बजे वो बंदा वापस गया, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचा, 7 बजे घर पहुंचा, और घर पहुंचते हुए सारा पोस्टमार्टम होके सारा कुछ करकुरा के केस वगैरह बन बुन के डेड बॉडी घर आ चुकी थी। वो बंदा आपके सामने खड़ा है, दो दिन बाद राइट टू डेज के बाद मुंबई में मीटिंग में था, मेरे घर में 50 लोग बैठे थे और मेरे को बोल रहे थे पागल हो गया। मैंने कहा पागल तो मैं थाना साहब पहले हो गया था, पता आपको आज लगा है? मैंने कहा वो 50 लोगों का तो फंक्शन है, कोई खाना खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हंस रहा है रूम में बैठकर। सर उदाहरण सुनो नहीं, उदाहरण बनना स्टार्ट करो। उदाहरण सुनो नहीं, उदाहरण बनना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट, कब तक दूसरों की स्टोरी सुना सुना कर मोटिवेट करते रहोगे? किसी दूसरे की स्टोरी सुनाकर किसी तीसरे को मोटिवेट करने से अच्छा है खुद की स्टोरी क्रिएट कर लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट करें। कब तक दूसरों की एग्जाम्पल दे दे के टीम को मोटिवेट करेंगे? खुद एग्जाम्पल बन के दुनिया को इंस्पायर करें। Inspire with your success story, not the sacrifice of others. 90% motivational speaker दूसरों की स्टोरी सुनाते हैं, ये बंदा अपनी स्टोरी लेके आपके सामने खड़ा है। होता क्या जब आपकी हरकतें, हम कहते हैं हमारे सीनियर के ऊपर ना मीटिंग का असर नहीं होता, जब आपकी हरकतें और आपकी ट्रेनिंग मैच नहीं करती ना, तब लोगों के ऊपर असर खत्म हो जाता है। हरकतें आपकी और आपकी ट्रेनिंग आपस में मैच करनी चाहिए। आई टेल यू, लोगों को शिक्षा दे रहे हो ये करो वो करो, जब आपके ऊपर वो भीड़ बनती है आप कहते हैं सर आपको पता ही है मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरी टीम में एक बच्चे की शादी थी, यहां पे लोगों की शादियां होती 10 दिन पहले 20 दिन पहले गैप हो जाते हैं, 2 महीने नजर नहीं आते। वो बच्चे की वेडनेसडे शादी थी और ट्यूसडे वापस आया, उसके पापा कहते पागल हो गया क्या, कहते शादी में मेरी जरूरत कब है, सबसे ज्यादा कब जरूरत है, कहते जब शादी वाले दिन, कहते फिर मैं आ जाऊंगा। और 2 दिन बाद वो वापस चला गया। क्या नाम है उसका? सौरभ बुद्धि राजा जी, तालियां मार दीजिए।
साहिल भी तो ये एटीट्यूड आपको करी करना बैठिए नेक्स्ट The only thing standing between you and your goals is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. एक ऐसी स्टोरी हमेशा सुना सुना कर बताते रहते हो सर इस कारण नहीं हो पाया 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 कब तक स्टोरियां सुना सुना कर अपनी एक्सक्यूजेस देते रहोगे सर वो हो गया सर वो हो गया सर वो हो गया कब तक Come on! कब तक लोगों की स्टोरियां सुनाएंगे कब तक सुनाएंगे सर ये प्रॉब्लम की वजह से बीवी नहीं हुआ ये प्रॉब्लम की वजह से चक नहीं उठा ये प्रॉब्लम की वजह से टीम क्विट कर गई कब तक आपकी और आपकी कामयाबी के बीच में एक ही वो स्टोरी है जो आप हमेशा गुनगुनाते हो लोगों को सुनाते हो